हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। डेली की तरह मैं बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेकर के आपके समक्ष आ गई हूँ 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के। आप सभी भी रेडी हो जाइए, क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और अपना स्कोर चेक कीजिए। किसी भी कंपटीशन एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड, एमपी टेट, एमपी सुपर टेट एंड केवीएस एनवीएस अदर स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, जैसा कि आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे एमपी खेल शिक्षा वर्ग 2 एंड वर्ग 3 की एंड ईएमआरएस एकलव्य मॉडल स्कूल, जिसका फॉर्म आप भर चुके होंगे और भर रहे होंगे एंड यूपी टीजीटी, इन सभी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो डेली बेसिस मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ और डेली बेसिस मेरे साथ जुड़ जाइए, आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि समय ही आपका सबसे मूल्यवान चीज है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि किस चिकित्सीय विधि में बायोसिला का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, बायोसिला का प्रयोग किया जाता है वर्लपूल बाथ में, यह जल चिकित्सा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, वर्लपूल बाथ में एक टब में गर्म पानी मशीनी तकनीकी द्वारा भंवर के रूप में घूमता है, जिसमें शरीर के भाग को डुबोया जाता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स उदासीन होकर शरीर के चोटग्रस्त भाग को बायोसिला के कारण पानी में तैरने में सहायता करता है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल चिकित्सा, जल द्वारा चिकित्सा विधि को क्या कहते हैं। तो जल द्वारा चिकित्सा विधि को हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या संतुलन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, ऊंचाई, जितना कम ऊंचाई होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा। दूसरा है आधार यानी कि बेस, जो आधार जितना चौड़ा होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा। एंड वर्लपूल बाथ केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु, तो केंद्रीय गुरुत्वा सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट जितना नीचे होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा, यानी कि ऊंचाई, आधार, वर्लपूल बाथ, केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु, यह संतुलन से संबंधित है लेकिन अलन का आयतन संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का संतुलन कौन सा पदार्थ बनाए रखता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में कान में एंडोलिम्फ नाम का फ्लूइड यानी द्रव पाया जाता है। तो एंडोलिम्फ जो है वह शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कान का मुख्य कार्य क्या है। तो कान के मुख्य दो कार्य हैं, एक सुनने की क्षमता होता है इसके पास, और एक या शरीर का एंडोलिम्फ द्रव जो होता है, द्रव्य या हमारे शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है, यानी सुनने में मदद, संतुलन बनाने में मदद, कान के दो कार्य हैं। नेक्स्ट है, उस चिकित्सा विधि को क्या कहते हैं जिसमें गर्म और ठंडे जल का प्रयोग किया जाता है। तो उसे कंट्रास्ट बाथ कहा जाता है, जिसमें गर्म और ठंडा पानी का प्रयोग किया जाता है। पहले ठंडा पानी, उसके बाद गर्म पानी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, उस चिकित्सा विधि का नाम बताइए जिसमें चोटग्रस्त भाग पर बर्फ का प्रयोग करके अभ्यास किया जाता है अपनी क्षमता के अनुसार। तो उसे कहा जाता है क्रायोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने के पश्चात सबसे पहले बर्फ का प्रयोग क्यों किया जाता है। हाँ, घुसकर रही है। तो दोस्तों, चोट लगने के पश्चात सबसे पहले बर्फ का प्रयोग क्यों किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग राइट है, रक्त वाहिनियों के व्यास को कम करने के लिए सबसे पहले बर्फ का प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या हाइड्रोथेरेपी से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे कोल्ड थेरेपी,
कंट्रास्ट बाथ, जाकुजिया बाथ, ये तीनों हाइड्रोथेरेपी यानी कि जल चिकित्सा से संबंधित है, बट पैराफिन बाथ नहीं है क्योंकि ये मोम चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है हाइड्रोथेरेपी में थेरेपी से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ थेरेपी से तात्पर्य है उपचार, हाइड्रो से तात्पर्य है जल, यानी कि हाइड्रोथेरेपी यानी जल द्वारा उपचार। नेक्स्ट है निम्न में से क्या संतुलन परीक्षण से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों स्टीप अप, बास स्टिक, लेवलोमीटर, इन तीनों का संबंध संतुलन से संबंधित है बट पैडोमीटर का नहीं है क्योंकि पैडोमीटर फ्लैट फुट को मापता है। क्वेश्चन है कि एक अच्छे संतुलन के लिए शरीर का केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु यानी सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट जो होता है कहाँ होना चाहिए, तो दोस्तों सेंट्रल ग्रेविटी ऑफ पॉइंट जो है केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु नीचे होना चाहिए बेस्ट संतुलन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं स्त्रियों का सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट जो होता है सीजी पॉइंट वह पुरुषों की अपेक्षा नीचे होती है क्योंकि उनका आधार जो है यानी कि जो हिप वाला भाग होता है पुरुषों से चौड़ा होता है और स्त्रियां जो है संतुलन वाले कार्य पुरुषों से अच्छा करती हैं। नेक्स्ट है ठंडे जल से संबंधित चिकित्सा का संबंध किससे है, तो ठंडे जल की चिकित्सा को ठंडी चिकित्सा को तो क्रायोथेरेपी बोला जाता है बट यहाँ पे नहीं दिया है, तो ठंडे जल से संबंधित चिकित्सा का संबंध है हाइपोथर्मिया चिकित्सा से। नेक्स्ट है गर्म जल का प्रयोग किस प्रकार की चोट में नहीं किया जाता, तो दोस्तों अवधि के आधार पर चोट जो है वह तीन प्रकार की होती है, एक्यूट, पोस्ट एक्यूट एंड क्रोनिक, यानी 24 घंटा के अंदर की चोट एक्यूट यानी ताजी चोटें होती हैं, तिछड़ा और ताजी चोटें, एंड 24 घंटा के बाद 24 से 48 घंटा से तक पोस्ट एक्यूट, 48 घंटा से ज़्यादा की चोटें क्रोनिक यानी पुरानी चोटें कहलाती हैं। तो गर्म जल का प्रयोग किस प्रकार की चोट में नहीं किया जाता, तो एक्यूट इंजरी में नहीं किया जाता, तुरंत जो ताजे चोट होते हैं तो ताजे चोटों में एक्यूट इंजरी में गर्म जल का प्रयोग नहीं किया जाता, क्रोनिक यानी पुरानी चोटों में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चोटग्रस्त भाग को जल में डुबोना क्या कहलाता है, तो चोटग्रस्त भाग को जल में डुबोना इमोशन बाथ कहलाता है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो इसमें क्या विषम है, तो दोस्तों लार्डोसिस, स्वेबैक, हालोबैक, ये तीनों एक ही हैं, यानी कि जो लार्डोसिस, स्वेबैक, हालोबैक, एक कमर में जो कर्वे बन जाता है और पेट बाहर की तरफ निकल जाता है तो उसी को कहते हैं, तो लार्डोसिस, हालोबैक, स्वेबैक, बैक पोस्टर डिफेक्ट, सैडल बैक आदि नामों से जाना जाता है। इसमें जो रहता है कमर वाले भाग में लंबर रीजन में वक्र बन जाता है, अत्यधिक कर्व बन जाता है, जबकि यहाँ पे अलग क्या है, विषम है आपका काइफोसिस, यह हमारे पीठ में वक्ष वाले भाग में पीठ के तरफ घुमावदार आकृति बना लेता है, बाहर की तरफ उड़ जाता है, उसे कहते हैं कुबड़, जिसे हम काइफोसिस, हंचबैक, राउंड बैक आदि नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है काइफोसिस पीठ का कुबड़ापन है, जबकि अग्रकुब्जा बाकी सब अग्रकुब्जता का उपनाम है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो दोस्तों यहाँ पे पेस प्लेनस, फ्लैट फुट, पेस कैवस, ये सभी पाँव की विकृति हैं, जबकि राउंड बैक कुबड़ापन से संबंधित है। नेक्स्ट है लार्डोसिस में कौन सी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसमें पेट में बीच में कमर में कर्व बन जाता है, पेट बाहर की तरफ निकल जाता है, तो इसमें एब्डोमिनल यानी कि पेट जो है
कमजोर पड़ जाती है पेट की मांसपेशियां। नेक्स्ट है काइफोसिस नामक विकृति में किस रोग के होने की संभावना रहती है? तो काइफोसिस नामक विकृति में अस्थमा यानी कि दमा होने में की ज्यादा संभावना होती है काइफोसिस यानी कि कुबड़ा होने से। नेक्स्ट है किस विकृति को अंडर प्रोनेटर भी कहते हैं? तो किस विकृति को अंडर प्रोनेटर भी कहते हैं? तो क्ले फूड को। क्ले फूड क्या होता है दोस्तों? यह फ्लैट फूड के विपरीत होता है। जिस प्रकार फ्लैट फूड में पंजे चलने पर कोई पंजे के नीचे कोई वक्र नहीं बनता, एकदम समतल होता है, तो इसके ठीक विपरीत क्ले फूड यानी कि पेस कैवस पंजा पाव में पंजे के नीचे बहुत ज्यादा कर्व बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, एकदम पशुओं की खुर की तरह मुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अपर बैक की विकृति है? अपर बैक यानी पीछे के ऊपर यानी कि काइफोसिस है, कौन सा है? काइफोसिस अपर बैक की विकृति है, काइफोसिस यानी कि कुबड़ा। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला के सी और यस के आकार की कौन सी विकृति होती है? तो यह होता है स्कोलियोसिस। कौन होता है? स्कोलियोसिस यानी कि मेरुदंड की पार्श्व कुब्जता, जिसे लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन बोलते हैं। यह मेरुदंड का एक ओर झुकना हो झुक जाता है यानी शोल्डर एक तरफ और हिप दूसरी तरफ झुक जाते हैं। स्कोलियोसिस दो प्रकार का होता है जैसे कि सी और एस। सी सिंगल स्कोलियोसिस, एस डबल स्कोलियोसिस। नेक्स्ट है निम्न में से क्या फ्लैट फूड से संबंधित नहीं है? फ्लैट फूड यानी कि पंजा पाव पेस, फ्लैट फूड यानी चपटा पाव, ठीक है, चपटा पाव यानी कि जो हमारा पैर का पंजा होता है कोई एकदम समतल होता है, उसमें कोई वक्र नहीं बनता, तो इसमें दो प्रकार के आर्च बनते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल जो एड़ी से पैर के अंगूठे तक बनता है, दूसरा लेटिट्यूडनल यानी कि ट्रांसवर्स जो पैर की छोटी उंगली से अंगूठे तक बनता है, एंड पेडोमीटर से इसका माप किया जाता है। तो ये तीनों संबंधित हैं फ्लैट फूड से, जबकि स्पाइनोग्राफ से स्कोलियोमीटर स्कोलियोसिस का माप किया जाता है, ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी मांसपेशी किसे कहा जाता है? तो श्वसन से संबंधित मांसपेशी होता है डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। तो यहाँ पे ख और ग दोनों राइट हैं, ऑप्शन नंबर घ राइट है। नेक्स्ट, दम घुटना फूलना क्या कहलाता है? तो दम फूलना जो है वह डिस्पेनिया कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्पेनिया। नेक्स्ट, आराम की स्थिति में अंतः श्वसन व बाह्य श्वसन में ली गई या छोड़ी गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? तो आराम की स्थिति में आप अंदर बाहर श्वास ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट है, किस यंत्र से फेफड़ों की क्षमता मापी जाती है? तो स्पायरोमीटर से। एंड गोनियोमीटर से लचीलापन यानी कि जोड़ों के कोण को मापा जाता है। मैनोमीटर से हाथों की पकड़ को मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट मापा जाता है। नेक्स्ट, अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम मांसपेशी की स्थिति कैसी होती है? तो दोस्तों, जैसे कि जब इंटरकॉस्टल मसल्स फैलती है तो डायफ्राम नीचे चला जाता है और फेफड़े में काफ़ी जगह हो जाता है, फैल जाता है, जिससे बाहर की वायु, जिससे फेफड़े में निम्न वायु दाब हो जाता है और बाहर उच्च वायु दाब, जबकि जो गैसें और वायु होती हैं वह उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ आती हैं, तो बाहर की वायु फेफड़े की तरफ आने लगता है, जिसे इंस्पायरेशन यानी कि अंतः श्वसन कहते हैं। और जब इंटरकॉस्टल मसल सिकुड़ती है तब डायफ्राम ऊपर की ओर हो जाता है और फेफड़े में कम आयतन होता है और फेफड़े में उच्च वायु दाब और बाहर निम्न वायु दाब हो जाता है, तो
यह घर से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर यानी कि फेफड़े से बाहर निकलने लगती हैं। तो इस प्रकार इंटरकॉस्टल मसल्स जो है अंतर श्वसन के समय फैलती है जबकि डायफ्राम सिकुड़ती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख राइट होगा। दोस्तों इसमें कुछ डाउट हो रहा है जिसे मैं आगे क्लियर करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दाब के कारण फेफड़ों में डिफ्यूजन प्रक्रिया यानी कि फेफड़ों में डिफ्यूजन प्रक्रिया जो होती है गैसों का आदान प्रदान वह एल्वेलाइज में होती है, उसी को डिफ्यूजन प्रक्रिया कहते हैं। तो यह विसरण प्रक्रिया द्वारा यानी कि पार्शियल प्रक्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट है निम्न में से गैस गैट प्रशिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें से गैट प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो हैंगिंग ऑन बार जो है गैट प्रशिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल, सीटिंग डाउन, स्टेप अप स्टेप डाउन यह गैट प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है गैट प्रशिक्षण का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों गतिशीलता के लिए, संतुलन में सुधार के लिए, चाल को सामान्य बनाए रखने के लिए, इन सभी में गैट प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उपकरण गैर प्रशिक्षण के लिए उपयोगी नहीं किया जाता? तो इसमें से कौन गैर प्रशिक्षण के लिए उपयोगी नहीं होता है? तो हॉरिजॉन्टल बार नहीं होता है उपयोगी। उसके अलावा वॉकर, अक्षीय वैसाखी, समानांतर बार होता है। नेक्स्ट है निम्न में से गैर प्रशिक्षण का संबंध शरीर के किस अंग से नहीं है? तो यहाँ गैट प्रशिक्षण का संबंध कोहनी यानी एल्बो से नहीं है। उसके अलावा टखना, घुटना और पंजे से गैट प्रशिक्षण का संबंध है। नेक्स्ट है निम्न में से मुलायम उत्तकों यानी कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी यानी चोट किससे संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से संबंधित नहीं है? तो सॉफ्ट टिश्यू यानी मुलायम उत्तकों की चोटों में टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड मांसपेशियों को चोट आती है, जबकि कठोर में आपका अस्थि की चोटें आती हैं। तो यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कौन नहीं है? तो अस्थियां नहीं है। नेक्स्ट है पुरानी चोटों को क्या कहा जाता है? तो पुरानी चोटों को क्रोनिक इंजरी बोला जाता है। अतिशय ताजी तुरंत लगी चोटों को एक्यूट इंजरी बोला जाता है। नेक्स्ट है स्प्रेन नामक चोट किससे संबंधित है? तो स्प्रेनली यानी स्प्रेन नामक चोट लिगामेंट से संबंधित है। लिगामेंट के अधिक खिंच जाने को स्प्रेन यानी कि मोच कहा जाता है। लिगामेंट जो है दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है, जबकि टेंडन जो है मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ता है। और मांसपेशियां टेंडन में लगी चोट या खिंचाव अधिक खिंच जाने को हम खिंचाव या स्प्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट है एपिकोंडिलाइटिस किस चोट को कहा जाता है? तो एपिकोंडिलाइटिस जो है टेनिस एल्बो को कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्युतीय अपघटनों में असंतुलन के कारण कौन सी चोट लगती है? तो विद्युतीय अपघटनों में असंतुलन कारक क्रैम्प या खिंचाव हो जाता है। नेक्स्ट है कि डायफ्राम मांसपेशी में क्रैम्प होना क्या कहलाता है? डायफ्राम यानी पेट की मांसपेशी में खिंचाव होता है, दौड़ते समय अचानक से तीखा दर्द होता है, उसे हम कहते हैं स्टीच। क्या कहते हैं? स्टीच। नेक्स्ट है निम्न में से क्या कंप्रेशन बैंडेज से संबंधित है? तो इसमें आपका हो जाएगा टॉर्निक बैंडेज। नेक्स्ट है किस चोट को स्ट्रॉबेरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों एवरेजन को स्ट्रॉबेरी के नाम से जाना जाता है। इसमें त्वचा जो है या त्वचा की चोट है, त्वचा ऊपर से छिल जाती है, खरोच आ जाता है अचानक से खेलते समय गिर जाने से या मैदान से घिस जाने से इसमें खरोच आ जाता है त्वचा में, उसी को एवरेजन कहते हैं। इसको स्ट्रॉबेरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मार्यासन में किसकी आकृति बन जाती है? तो मार्यासन एक प्रकार का आसन है, इसमें बिल्ली जैसी आकृति बन जाती है।
नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई? तो 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, योग की उत्पत्ति को किसकी देन कहा जाता है? तो दोस्तों योग की उत्पत्ति शिव से किया जाता है। नेक्स्ट है, अष्टांग योग में पंचम अंग क्या है? तो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में अष्टांग योग की बात कही गई है, जिसमें योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं, जिसमें से 5वां अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार जो है वह 5वां अंग है, इसमें अपने इंद्रियों को बस में रखा जाता है। इंद्रियों को बस में रखना, नियंत्रण रखना ही प्रत्याहार है। नेक्स्ट है, सूर्य नमस्कार में आसनों की संख्या कितनी होती है? तो सूर्य नमस्कार में आसनों की संख्या 12 होती है। नेक्स्ट है कि प्राणायाम में श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? प्राणायाम का मतलब ही होता है श्वासों पर नियंत्रण करना। प्राणायाम के 3 घटक होते हैं, पूरक, कुंभक एंड रेचक। पूरक में श्वास को धीरे धीरे अंदर लिया जाता है और कुंभक में श्वास को अंदर ही रोक लिया जाता है कुछ समय के लिए, और रेचक में श्वास को बाहर छोड़ा जाता है। तो श्वास को बाहर छोड़ना प्राणायाम में क्या कहलाता है? रेचक क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है, इनमें से ध्यान आसन कौन सा है? तो इसमें से ध्यान आसन सिद्धासन है, उसके अलावा पद्मासन एंड वज्रासन ये ध्यान आसन है। नेक्स्ट है, इनमें से भोजन के तुरंत बाद किया जाने वाला आसन कौन सा है? तो दोस्तों वज्रासन जो है भोजन के तुरंत बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है। नेक्स्ट है, यम के कितने भाग होते हैं? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में यम के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये यम के 5 भाग होते हैं। नियम के भी 5 भाग होते हैं, जिसमें शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान आदि आता है। नेक्स्ट है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? एक समान वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है, जबकि एक प्रशिक्षित व्यक्ति जो डेली एक्सरसाइज करता है वह 8 से 10 बार सांस लेता है, क्योंकि सांस जो है जितना सामान्य धीमा और गहरा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यह 50 MCQ क्वेश्चन था। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए एंड क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश किया जाएगा। और आप सभी डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।